हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। देखो पिले, लास्ट क्लास में कौन करते थे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पिले। लास्ट जो पार्ट हमर रही था जहाँ कि हमारा 48 नंबर सॉरी था पिले, जहाँ कि पेज नंबर हमर 412 अच्छी पिले है। आज हम कौन करें पिले 49 रू स्टार्ट करवा, जहाँ कि हमारा पिले 54 जाए अच्छी सब क्वेश्चन सर दे पिले, पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सर दे। नेक्स्ट क्लास हम कौन करें पिले शॉर्ट टाइप आंसर टाइप क्वेश्चन जाए करवा पिले, ठीक अच्छे ना। देखो स्टार्ट करें पिले क्लास, आज क्वेश्चन कौन हो पे हमारे 49 स्टार्ट करवा। क्वेश्चन नंबर हो पे 49 क्वेश्चन देखा कौन देला इंडिकेशन नंबर दी पे 0 to हूँ पाई ये पे कॉस क्यू एक्स ये डीएक्स। इंडिकेशन नंबर दी पे 0 to हूँ पाई कॉस क्यू एक्स इंटू हूँ पे डीएक्स है। तो कौन पे करें सॉल्यूशन पार्ट रे फर्स्ट आम चेक करा पे फंक्शन देखा पाई कौन अच्छी है हूँ पे कॉस क्यू एक्स ये डीएक्स रहा फर्स्ट रहा पे यहाँ देख दिया लेट नहीं जी एफ ऑफ एक्स इक्वल देखा कौन अच्छी दिस इक्वल टू हूँ कॉस क्यू एक्स पे देख पे कौन अच्छे जो 0 to 2 ए देखा पे क्वेश्चन टाइम देख हम जानते भले जो इंटीग्रेशन नंबर कौन है 0 to 2 ए अच्छी पे एफ ऑफ एक्स जो डीएक्स रहा भाभी दिए पे 2 ए मैंने कौन कर पाई नहीं दैट मीनस पे इक्वल टू पाई बाय 2 है। ए केस कौन है पे दीटा भैल्यू आसाला गोटे भैल्यू डिफाइन करुला पे एफ ऑफ 2 ए माइनस एक्स रैल्यू कौन हो आउ गए डिफाइन कर एफ ऑफ हूँ 2 ए माइनस एक्स कौन हो पे ए केस कौन होता एफ ऑफ एक्स आसाला ए केस आसला एफ ऑफ माइनस एफ ऑफ एक्स आसाला बोले आम जानते भले आ केस भैल्यू 0 हम ए केस अलग डिफाइन हम बोले एवं आम बेसिक जानते बोले प्रपर्ट आम थी जो ए प्रपर्टी मुझे एप्लाय कली तो फास्ट आम चेक करदे पे एफ ऑफ है 2 ए माइनस एक्स रैल्यू कौन आस कौन कर एफ ऑफ हूँ पाई माइनस एक्स फाइंड कर तो ये है पे कॉस ऑफ हूँ पाई माइनस एक्स रोच होल क्यू तो कौन पाली पे कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा आसो पे माइनस कॉस थीटा माइनस हूँ पे कॉस एक्स रोच होल क्यू दिस इक्वल टू कौन आस पे ये माइनस कॉस क्यू एक्स पड़ा तो जाना पड़े भल भाव ये कौन है माइनस एफ ऑफ एक्स आसला बेले देख ये कौन अंडर आस सेकेंड पार्ट अंडर आसू पे ये केस कौन हम एफ ऑफ दिस भैल्यू कौन मस्ट भी 0 फॉर्मेट आसो बोले हाँ कि नहीं तो डायरेक्ट आम भैल्यू पकईपर ये आम है तो कौन पाई देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ 0 to हूँ पे पाई कॉस क्यू एक्स डीएक्स इज इक्वल टू हूँ पे 0 चेक कर किसी आवश्यक नहीं पे आंस डायरेक्ट कहीं 0 ही आसो बोले ठीक अच्छे भाला बुझेगा पे तो ये है कौन क्वेश्चन नंबर 49 सरला पे एवं जो आम क्वेश्चन नंबर हूँ 50 पे ठीक अच्छे ना पूरा बेसिक क्वेश्चन पे है खाली फर्मुला बेस क्वेश्चन रहा तो 50 क्वेश्चन कम कौन दे 15 नंबर दी एरिया अंडर द कर्व एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 देख बोले एरिया अंडर द कर्व ओके बोले एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 दला इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट दी बोले ठीक अच्छे ना इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट दी क्या हो से इज डैश बोली कहला बोले टिके भला बुझो बोले क्वेश्चन हम कौन दे सॉल्व करवा देख बोले एरिया अंडर प्लेन कर्व दे पे गोटे कर्व र अंडर एरिया देखा फर्स्ट देख पे कौन कर फर्स्ट लाइन ड्र कर देख बोले ये क्वेश्चन आम कौन देखा जो गिवेन देखी ना बुझा भल लगे गिवेन देखा पे कौन अच्छी गिवेन इक्वेशन अच्छी बोले एक्स प्लस वाई इक्वल टू हूँ 1 तो टेबुल आकार डिफाइन कर दूसरी बेटर हम पे जदि ये एक्स है ये वाई है मुझे एक्स रैल्यू 0 पकाई वाई रैल्यू कैसे आसो बोले 1 आस जब मुझे एक्सर भैल्यू 1 पकईदे तो वाई रैल्यू 0 हो पे दीटा पॉइंट सफिसीयंट पे लाइन ड्र करने तो कौन कर देख पे जदि ये 0 है ये 1 है ये हूँ पे कौन आम ये हूँ 1 ये है 2 है चलती भैल्यू आम किसी प्रॉब्लम नहीं ये एक्स रहा एक्स प्राइम रहा वाई रहा वाई प्राइम रहा है अलरेडी ग्राफ भी आम देख करसे पे अभी जो भैल्यू कौन अच्छे आम एटा ड्र हो पे कहीं 0.1 हूँ जो पॉइंट बोले एक्स रैल्यू 0 पाई वाई रैल्यू 1 ना तो ये पॉइंट हूँ 0.1 1.0 हूँ ये पॉइंट बोले ये हूँ 1.0 जब मुझे ए आउ बी पॉइंट नहीं गली तो वो ए बी हूँ मोर रिक्वायर्ड रिजन टा बोले तो ये हूँ कौन ये मोर रिक्वायर्ड रिजन टा बुझा पड़े भाला अब नेक्स्ट कम कौन देख बोले एवं कौन कर एरिया फाइंड कर जानते भाला एरिया फर्मुला कौन देख बोले तो कौन कर देख लिमिटिंग भैल्यू कौन अच्छे 0 to 1 अच्छे ना तो मुझे वाई आकार डिफाइन करी देयरफॉर एरिया ऑफ द रीजन वो ए बी कौन आस
इंटीग्रेशन ना आसीबो बले 0 टू 1 ये होची y dx तो कोन पाए बले इंटीग्रेशन होर होची 0 टू 1 रहला y मींस कोन पके बले 1 माइनस x पके बेरी होल इनटू होची dx हले इंटीग्रेशन कर दे बले इंटीग्रेशन नंबर 1 आसीबो बले x आसीबो आरो सी x स्क्वायर बाय 2 आसीबो बले लिमिटिंग वैल्यू होची 0 टू 1 जे फर्स्ट 1 पके बे 1 माइनस होची 1 बाय 2 हला बले माइनस कोन हो 0 पकेले बोथ रे वैल्यू 0 आसीबो बले हला तो कौन आंसर पहले 1 माइनस होची 1 बाय 2 तो आंसर आस पहले हाफ एरिया पचला तो आंसर आस पहले हाफ स्क्वायर यूनिट ओके ना पहले तो बुझी पाला भला बे किसी हार्ड नहीं पहले इक्वेशन हम गिवन थिला आर अंडर जहां भी एरिया आज का कवर पे फाइंड पे कहला पहले ए क्वेश्चन हम कौन देची फर्स्ट क्वाड्रेंट कहला पहले तो ए केस रे एक्स ऑफ वैल्यू मस्ट बी कौन हबो ग्रेटर देन 0 हबो वाई आल्सो कौन हबो ग्रेटर देन 0 हबले तो ता पे मोटी डिफाइन कर देली ठीक अछि ना पहले आदर कोन हेठे क्वेश्चन नंबर 49 और 50 सर लाबले पॉज करी कॉपी कर दियो तापर हमें जिया 51 नंबर क्वेश्चन बहुत ही पॉज करी कॉपी करती हो बले देखो 51 नंबर क्वेश्चन थबले हम कौन दीची दका हम किमिति सॉल्व करबा देखो बले 51 नंबर क्वेश्चन दे छी द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन कोन दे छी इंटीग्रेशन नंबर दे छी 1 टू 2 दला एफ ऑफ हो छी जी ऑफ एक्स ओके बेले आर हो छी होल पावर दे छी -1 एफ प्राइम ऑफ दे छी पहिले जी ऑफ एक्स जी प्राइम ऑफ एक्स दला पहिले डीएक्स से पछला फॉर g of 1 equal to g of 2 is dash बोली कहला पले भला बुझो क्वेश्चन हम दिछि बले g of 1 equal to g of 2 हमको गिवन अछि देन से कैसे कैसे पचला पले आरो वैल्यू पचला से हम ठीक अछि ना पले देखो आंसर कोन आछिबो ठीक क्वेश्चन भला बुझले हि जो पले सॉल्यूशन कर छी देखो पले हम कोन गिवन अछि कहला गिवन हो छी पले g of 1 equal to hochi g of 2 pure value pila jaha bi mara function na value hela 1 aur 2 point same hochi kis problem nai pila tabe question part ko aschi integration number hela 1 ro hochi 2 f of hochi pila g of x ro power re asibo kon amar ithi -1 asibo f prime of hochi pila g of x ye hela g prime of x hela ye hochi dx pila tikke edi rakho solve kar debi integration number 1 ro 2 rehla pila aku je tolu gandi na better hobo f prime of kon rehla pila g of x ro hela g prime of x रहला पले whole divided by कौन रहला f of g of x रो power रहसी 1 पले कहीं तोड़ गांदे फिल्टा ये dx रहला देखो बोले भला बे तो यदि मु a part को u नहीं गली बुझो बोला है पले आ derivative देखा ऊपर अच्छी बोले कौन दो करी भी put f of g of x equal to u अगर ये differentiate करी भी हैला on both side with respect to x कर दिले पले कौन अच्छी बो f prime of g of x देखो बोले भला बे आकु डेरिवेटिव करछि ये भितरे कोन लागो कंपोजिट आकार अछि बले इनटू कोन हबो डी बाय डीएक्स ऑफ होछि कोन इठा हमर बले जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू होछि डी यू बाय डीएक्स आकु जे टिक रिप्लेस कर देखो कोन आसीबो बले व्हिच इंप्लाइज टू ये वैल्यू असला बले एफ प्राइम ऑफ होछि जी ऑफ एक्स ओके इनटू कोन हबो बले ये होछि जी प्राइम ऑफ एक्स आसीबो इनटू डीएक्स इक्वल टू पाई जेबा बले डी यू पाई जेबा ओके ना ए जदी ए पार्ट को मो इठी रिप्लेस कर देली देयरफॉर कौन पाए बोले इंटीग्रेशन ऑफ होला आउट देखो बोले सेकंड थिंग कौन अछि ए केस रे लिमिट भी चेंज होबो ना तो लिख दिजी फॉर x इक्वल टू कोन भाबी दियो तो 1 पर पकेबा तो जानि छ भलाय प्ले आ का को चूज कर छि u मींस कौन अछि f ऑफ g ऑफ x ना तो ये जीवो f ऑफ हो छि g ऑफ 1 हे ना बोले हो ना सिमिलरली फॉर x इक्वल टू हो छि प्ले 2 पाई ये जीवो f ऑफ हो छि g ऑफ 2 प्ले हो गेले आउट देखो बोले जानि छ भलाय हमें g of 1 equal to g of 2 लेकिन दी परिवा as g of 1 equal to g of 2 so obviously कोन हो पले f of g of 1 equal to आशिवा f of g of 2 पले both रो value बेटी कोन आशिवा होने same ही आशिवा पले जहतो g of 1 equal to g of 2 तो मो function रे f ने नहीं पके भी answer भी same आशिवा पले जाना बोलची भला है भाभी दियो पले भाभी दियो suppose तो मैं आकु u1 भाभी दियो सपोज तमा को यूट्यूब भाबी दियो बरे हला प्रॉब्लम किछ तो कोन द पहिले ठीक देयरफॉर इंटीग्रेशन नंबर हला पहिले f ऑफ g ऑफ 2 रुको हला इठे हमर देखो
ये f of g of 1 थिला बिल हैला f of g of 2 हैला ये हमरो हो कि नै बिल f of g of 1 रो f of g of 2 रहला आकु जदि भेलो भेलो पके भेले भला जान पड़छ भला एतिकि रो वैल्यू कोन एति पकेबी मु du पकेबी तो du पल्ला 1 बाय देखो बोले ए जो तळ पाड़ छै ना आकु मु u नै छै तो 1 बाय u हे गेला बोले तो 1 बाय u रो इंटीग्रेशन वैल्यू हो जान छै भला बोले ln u आसीबो जहार लिमिटिंग वैल्यू होची f of g of 1 रो f of g of होची बोले 2 जदि मु आ वैल्यू नै पकेबी तो ln देखो कोन आले बोले f of g of 1 g of 2 माइनस कौन से बोले लॉन ऑफ हुची एफ ऑफ जी ऑफ हुची 1 बोले हला तो कौन देखा पहला पहला एफ ऑफ जी ऑफ 1 रो 2 रो वैल्यू जहां एफ ऑफ जी ऑफ 1 रो वैल्यू सेम पहले तो लॉन ऑफ दिस वैल्यू कौन हो सेम अछि ना वैल्यू आंसर अछि 0 बोले तो एक केस रे कौन है कि हमरो 51 नंबर क्वेश्चन आंसर अछि पहले 0 जणा पुरछि भला पहले एबे हम कोठी जीवा क्वेश्चन नंबर पहले 52 को जीवा देखो 52 नंबर क्वेश्चन देखबे कोन अछि 52 नंबर क्वेश्चन दे इज पिला मु से इफ f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ x इज ए क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल ओके ठीक अछि सच दैट कोन देखबले f ऑफ 0 इक्वल टू गिवन अछि 2 f prime of 0 equal to dh pile 3 minus 3 dh pile f double prime of 4 equal to sorry 0 equal to dh pile 4 okay and then se dekha pare pachala then se pachar g integration over hochi minus 1 to 1 f of x dx ra value se pachala pile hala dekho ti question bhalai bujha pile question dekho data am chesta given achi pile ta on se kon kariyo ame 52 ro answer hi find kariya padibo तो देखो कौन करी मुठी फल तक बोले एफ ऑफ एक्स इठी आ कौन छि बडा मको क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल दे छि बोले हला तो देखो जानि ने भला है पॉलीनोमियल कौन हि थिबो तो मु इन जनरल फॉर्म लिखु छि बोले लेट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 बी ए क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल ठीक अच्छे ना पहले जब ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है ला ये जो कंडीशन जब टी फॉलो कर दिया पहले तो आपको क्या बोली फर्स्ट में एफ ऑफ एक्स भाभी दिया पहले आपको तो मैं सपोज एफ ऑफ एक्स नहीं ला बेटर हो पहले ठीक अच्छे ना तो काम कर दिया था एफ प्राइम ऑफ एक्स फाइंड करी तो जब जो पहला कौन आ चुका ए कॉन्स्टेंट बाहर हुए ला ये ऊपर टू एक्स तो कौन आ चुका टू ए एक्स प्लस बी टा बाहर हुई जो पहले एक्स डेरिवेटिव वन है गला सी रो डेरिवेटिव हो जीरो पहले ये फर्स्ट पाई गलो नेक्स्ट कौन कर चुके पहले एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स फाइंड करी ये आसीबो बोले 2a आसीबो देखो बोले भला कोन छै भाई f ऑफ 0 अछि f ऑफ f प्राइम ऑफ 0 अछि f डबल प्राइम ऑफ 0 अछि तो कोन देखु छै थरो फॉर x इक्वल टू 0 पे फाइंड करिए पहिले कोन देखु फाइंड करिबी फर्स्ट कोन करछि मोठी f ऑफ 0 फाइंड करछि पहिले माने वैल्यू फाइंड करिबी कोन आसीबो 0 प्लस 0 पहिले प्लस आसीबो c आ जानि छै पहिले f ऑफ 0 मु कोन गिवन अछि 2 अछि ना तो 2 इक्वल टू होछि पहिले c तो जना पला फला बे सीरो वैल्यू होची 2 बेले ठीक अछि ना बेले अच्छा जे कॉपी करनो फर्स्ट में 51 नंबर कॉपी कर दे थ बेले तो पॉज कर कॉपी कर दियो कहीं ए पार्ट रे भी बेले ओके भाऊ छी पॉज कर कॉपी कर थियो एटा देखो बेले तो इठे हम कोन पाइले फर्स्ट पाइले पले c इक्वल 2 पाइ गेले एबे काम करियो हमें x इक्वल टू 0 पके आपले f प्राइम ऑफ 0 फाइंड करिबा नाउ f प्राइम ऑफ 0 इक्वल टू कोन राशिओ पले 0 पकेबे ना इज इक्वल टू हि जीवो 2a इनटू होचे 0 प्लस होचे b पले आ जणा पुरचे भलाबे f प्राइम ऑफ 0 के देखबे कता होची f प्राइम ऑफ 0 रो वैल्यू होची -3 तो ये वैल्यू होला -3 इक्वल टू ये 0 हेगला पार्टटा 0 प्लस b पले तो जणा पुरचे भलाबे b इक्वल टू होची -3 हला पले a रो c रो वैल्यू होला 2 आउ बी रो वैल्यू होचले -3 पाइ गेले एब हम कोठी जे आपले f डबल प्राइम ऑफ 0 फाइंड करिबा तो f डबल प्राइम ऑफ 0 इक्वल टू कोन आसी आपले 2a ना व्हिच इंप्लाइज 2 पले देखो एरी कोन करिबले x ऑफ 0 पकेबे 0 थले 0 पकेबे ना पले 0 नाही किसी तो 2a रहला f डबल प्राइम ऑफ 0 रो वैल्यू होचले 4 सो पाइ जे बी 2a इक्वल टू होची 4 और व्हिच इंप्लाइज 2 पले a इक्वल टू हेगला 2
तो देखो बोले जहां फर्स्ट टाइम फंक्शन पाई थी देखो फंक्शन में कौन पाई गली देयरफॉर द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक फंक्शन और पॉलीनोमियल लिखले बेटर हो बोले पॉलीनोमियल इज कौन पहले देखो बोले एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर ना पहले ए रे वैल्यू जी 2 तो ये है 2 एक्स स्क्वायर प्लस पहले बी कौन है आइटम और एक्स रहा ये हो चुकी माइनस थ्री बी तो माइनस थ्री एक्स हो गया इधर प्लस सी पहले सी मीन्स हो चुकी 2 तो प्लस 2 तो एफ ऑफ एक्स फर्स्ट में पाई गले पहले नेक्स्ट काम कौन रखा था नेक्स्ट काम हो चुके फंक्शन में पाई गले एवे से पचला पहले अरे इंटीग्रेशन वैल्यू पचला ठीक अच्छे ना पहले तो कौन ना पड़ेगा देयरफॉर इंटीग्रेशन हमरो छि माइनस 1 रु 1 पहले ये हो छि एफ ऑफ एक्स डीएक्स फाइंड करबा तो कौन लिखि पहले इंटीग्रेशन ओवर माइनस 1 रु 1 रहला खाली फंक्शन नै पको पहले 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 होल इनटू डीएक्स रहला तमे चाहेला को 0 रु 1 कले हो पहले प्रॉब्लम किछ नै डाइट कर दो छि प्रॉब्लम किछ नै पहले कोन आसीबो 2 रहला पहले x स्क्वायर रहउ छि x³ / 3 माइनस 3 हला पहले x² / हो छि 2 प्लस 2 इनटू पहले ये आसीबो x लिमिटिंग वैल्यू कोन पाइले पहले माइनस 1 रो होची 1 जदी फर्स्ट मु अपर पार्ट रो 1 पकेबी तो कोन आइले पहले येला 2 / 3 माइनस आसीओ पहले 3 / 2 प्लस आसीओ पहले 2 अपर पार्ट रो फल्ला पहले माइनस 1 नी पकेबा तो कोन आइले माइनस ऑफ हला माइनस 1 नी पको पहले माइनस 2 / 3 ये कोन आसीओ पहले प्लस हो जना माइनस 3 / 2 ये होले माइनस 2 आसीओ और ठीक के सॉल्व कर दबा को अगर जदी एलसीएम करी आसीओ 6 पहले तो कौन लगे हमारो ये हला पहले 4 माइनस कौन आसीबो पहले ये हमरा आसीबो 9 प्लस कौन लगे पहले आसीबो ये आसीबो 6 सेले कौन आसीबो पहले हमरा 12 आसीबो माइनस ऑफ एटी भी एलसीएम बाहला 6 पहले तो कौन आसीबो एटा हमरो ये हे जीवो माइनस होची 4 माइनस 9 माइनस कौन पहले एटी पहले हमें 12 पाई जीवो तो कौन लगे पहले पहले एटी हमें ये ला पहले 12 माइनस 9 ना पहले हो ची 3 प्लस 4 ही जीवो 7 बाय हो ची पहले 6 माइनस से माइनस कॉमन करते पहले प्लस ही जीवो ये कहते पहले देखो पहले 16 प्लस हो ची 9 तो वैल्यू आसी देखो पहले इधर 25 बाय आसी हो पहले 6 हो ची इक्वल देखो कौन आये पहले सम कर दले ये ही जीवो 32 बाय ही जीवो पहले 6 और हो ची इक्वल टू पहले इधर पाई जीवो हमें 16 बाय 3 पाई गले पहले तो भला जाना पड़ ची पहले ये जो क्वेश्चन हमर थिला जे फंक्शन जदि हमको गिवन अछि को फंक्शन पले क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हम गिवन थिला किसी कंडीशन हम दिथला बेले ए कंडीशन हम यूज करले हला इन जनरल फॉर्म फर्स्ट हम चूज करले बेले आको सॉल्व करके फर्स्ट हम क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल कर देले नेक्स्ट काम कोन आ डेरिवेटिव फाइंड करिबा सॉरी इंटीग्रेशन फाइंड करिबा बेले आंसर फाइंड कर दवा आ आंसर इट केता आसी बेले हमरो 16 / 3 आसी बेले हला ठीक है पॉज करी कॉपी करो बेले तापर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा ओके भावुची पॉज करी कॉपी कर दिथियो बेले देखा तो कोन कर दिबा में नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा फिफ्टी टू सल्ला पहले फिफ्टी थ्री नंबर क्वेश्चन देखिबा देखो पहले फिफ्टी थ्री क्वेश्चन कौन अच्छी फिफ्टी थ्री नंबर क्वेश्चन क्वेश्चन दीजिए पहले व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ओवर दीजिए जीरो टू हो पहले पाई बाई टू ओके जीरो टू दीजिए पहले पाई बाई टू ये कौन कॉस एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू देला पहले डीएक्स देला इज इक्वल टू डैश वाली पहला देखो क्वेश्चन का इजी अच्छी पहले फिर भला बुझिया पड़े हम कौन दे पहले देख पहले कॉस एक्स जो वैल्यू अच्छी है जदि कहला पहले कॉस एक्स वैल्यू जदि कौन बिलंग कर भाव दिए एक्स ना पहले है एक्स वैल्यू बिलंग कर जीरो रु पाई बाई टू भितर बिलंग कला जान भला भाला ए केस रे पहले जो कॉस एक्स रहबो ना से वैल्यू का भीतर बिलोंग करियो पहले ये बिलोंग करबो 0 टू होची 1 भीतर तुम कहबो जे से कॉस 0 भेल तो 1 आमे 1 टू 0 काय लिखिबानी बुझे बला है पहले जो 1 टू 0 लिखिबा ना त मीनिंग कोन पाउ छी को मते 1 टू के बिलो आसीबे पहले ग्राफिकली एक्चुअली कोन होची भेल त हमर इमे आसी पहले हला लिखिबा कि मने न्यूमेरिकल भेल किन आसी पहले 0 रु 1 आसी ना नंबरटा कोन होची हमर 0 रु 1 आसी पहले बुझा पड़छी बला है तो ये वैल्यू कौन होची पहले 1 टू 0 आसेला एकले हम कोन चूज करिया पहले 0 रु 1 चूज करबा आइडिया होस्त भला पहले तो एठी कोन कली मोठी जदि एक्स रे वैल्यू बिलोंग करा 0 रु पाई बाय 2 भितरे तो कॉस एक्स रे वैल्यू कोन हो पहले आ भितरे बिलोंग करबो 0 रु 1 आप के लिखबि नि पहले 0 ग्रेटर देन 2 कॉस एक्स ग्रेटर देन 2 1 के होबनि पहले बुझो भला हैला काई ना 1 रु बडो थाय कि 0 रु कम किस नथियो बोले हैला नंबर हम कोन थिबो 0 रु 1 भितरे हे पारे हैला त
तो ए कांसेप्ट के मैं आईडिया करथिया बेले तो ये क्वेश्चन आराम से क्लियरली हे जबो तो कोन लिखै दिमो देख फॉर बेले ये पाई बाय 2 थिला cos देख बेले कोन थिला x थिला ग्रेटेस्ट इन द वैल्यू थिला बेले dx थिला आ जानि जे भला बेले cos x रो वैल्यू कहां बे देबे लंग करछि 0 रो 1 ना आ ग्रेटेस्ट इन जीरो मीनिंग कोन बेले लोएस्ट वैल्यू हम चूज करथिबा तो जना पड़छि भला ए केस रे बेले cos x रो ग्रेटेस्ट इन द वैल्यू होछि बेले केता आसबो एटा हमर 0 आसबो को केस रे बेले आपे सेटिस्फाई करबो मन रख पेले सब केस रे हबो नेटा 0 रो 1 जदी अछि माने से केस रे होछि 0 पेले जदी -1 रो 0 हेले कोन हबो -1 आसी होबेले तो कोन आंसर पेले ठीक हो 0 रो होछि पेले पाई बाय 2 आर वैल्यू 0 हे गेला ये होछि dx एबे तुम कहियो पेले सर 0 होछि गुडे कांस्टेंट ऑफ डेरिवेटिव ना डेरिवेटिव था होछि पेले हैला पर देखो बुझो पेले जदी 0 अछि 0 मींस पेले 0 * x हे परिबो आराम से पेले प्रॉब्लम किछ नै जहा भी हो पेले आकु जदी मु सॉल्व करबी हैला गोटे कन्स्टाट माइनस कन्स्टाट ही आस वैल्यू सेम थी है कि पार अदरवैज हम दिए बोले इंटिकेसन अफर जब जीरो करें आंसर सब जीरो ही आस कन्फ्यूज हो पे देख भला एवं जदि मुझे कौन कल डी डीएक्स अफ एनी कन्स्टाट कली आंसर जीरो आसू जब मुझे इंटिकेसन करेंगे कन्स्टाट ही आस बुझा पड़े ना तो ए कन्सेप्ट को फलो करें आईडिया हूँ भला एवं तो कौन है इंटिकेसन अफर जीरो वैल्यू जीरो आस आंसर ये कौन पाई जीरो पाईगले तो आप जिस भाव मन रखा पड़ो जो एक्स रैल्यू आ भितर बिलंग कला तो से केस रे कॉस एक्स रैल्यू क्या भितर बिलंग कर जीरो पक बेले ठीक अच्छे ना तो 54 क्वेश्चन को जीवा पे 53 तो सरला देख पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन टाइटा क्वेश्चन कौन देखो इफ दे बेले इंटिग्रेशन हो जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डीएक्स इक्वल टू हूँ लामडा एंड इंटिग्रेशन हो जीरो टू ए रहा पे एफ ऑफ हूँ 2a माइनस एक्स डीएक्स इक्वल टू हूँ म्यू म्यू सिंबल टा बेले है देन देख से कम पचारमको इंटिग्रेशन नंबर रहा पे जीरो टू हूँ 2a एफ ऑफ एक्स डीएक्स वैल्यू पचारा बेले भले बुझा कम पचारा इंटिग्रेशन नंबर पचारा पे जीरो टू हूँ 2a एफ ऑफ एक्स डीएक्स वैल्यू पचारा बेले तो कौन कर सल्यूशन देखा बेले हाँ सब जानी भला बेले इंटिग्रेशन नंबर हूँ जीरो टू 2a एफ ऑफ एक्स जो डीएक्स रहा देख ला कौन लिखी पारि भल बुझे बोले आर प्रॉपर्टी गुट अच्छी बोले इंटिग्रेशन नंबर हूँ जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डीएक्स प्लस इंटिग्रेशन नंबर जीरो टू ए रफ अफ हूँ पे 2a माइनस एक्स इंटू डीएक्स डेफिनेट पार्ट प्रॉपर्टी थी बेले है ए प्रॉपर्टी मुझे अप्लाई कली तो जमा पड़ी भले पे जहाँ मोर गिवन गिवेन थी पे जीरो टू ए जब एफ ऑफ एक्स डीएक्स वैल्यू हूँ लामडा ए केस वैल्यू हूँ म्यू तो आराम से आंसर पड़ा पे ये वैल्यू हूँ लामडा आस प्लस आर वैल्यू आस म्यू पे तो आंसर में कौन पाइले इंटिग्रेशन अफर जीरो टू 2a एफ ऑफ एक्स डीएक्स वैल्यू हूँ पे लामडा प्लस म्यू तो ये कौन सा लाइट है क्वेश्चन नंबर 54 भी सरीगला बेले आई थिंक पूरा क्लियरली आईडिया होती बोले टी पोज कर कॉपी कर दिया कभी ओके भाव सरी जाइए बोले देख तो आज आम कौन कले बेले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो चलता बेले जहाँकि इंटिग्रेशन रहा है पेज नंबर 412 थिला पिले से सब जगह क्वेश्चन सरीगला 411 रो क्वेश्चन भी सरला पिले 410 रो पेज रो क्वेश्चन भी सरला पिले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सरला पिले नेक्स्ट क्लास हम कौन करवा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन स्टार्ट कर दबा पिले कहार इंटिग्रेशन रो इंटिग्रेशन सरला पिले तापर जो क्वेश्चन आ तो सरला पिले लाइन रे चलीबा किछ प्रॉब्लम नै पिले ऑलरेडी बहुत पिला कमेंट दोछ जे पिले सर हमरो कोर्स नवंबर ते सरीबो कि नै मैथ रे ऑलरेडी कोर्स सब सरी जाइ पिले बारंबार रिपीट करके सेम जिन आवश्यक किसी ना पे तो मुझे ट्राए कर जो जो पार्ट आम जमी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जाक शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जहाँकि बही लास्ट में पे जब ए टाइप क्वेश्चन सरला आम पेपर किसी देखा पे प्रिवियस ईयर क्वेश्चन जाक बहुत जिन रही देखा पे एक्सट्रा क्वेश्चन किसी करा पे बेटर हम आम एग्जाम ठीक अच्छे ना पे नेक्स्ट रहा कौन आम फिजिक्स और केमिस्ट्री पे फिजिक्स क्लास आम डेली चली पे रात चलती 8 बेलू हूँ पे फिजिक्स क्लासटा डेली चलती पे डेली ही चलो प्रॉब्लम किसी ना आउ भावी बोले कल स्टार्ट करदे केमिस्ट्री बट आम डिस्कस कलु बोले तो आम केमिस्ट्री क्लास स्टार्ट करा पे सेप्टेम्बर 5 रु स्टार्ट करवा गुरु दिवस ने बोले सीठ ही स्टार्ट करवा केमिस्ट्री क्लास स्टार्ट हो पे सेप्टेम्बर 5 है इवनिंग 17 को स्टार्ट हो पे डेली से क्लास भी चलो बोले 7-8 भितर तुम अपलोड हो केमिस्ट्री क्लास 8-9 भितर अपलोड हो बोले फिजिक्स क्लास 9-10 भितर अपलोड हो बोले मैथमेटिक्स क्लास डेली चलो बोले प्रॉब्लम किसी हमें ठीक अच्छे ना बोले आम ट्राए कर डिसेम्बर भितर तुम सब जगह फिजिक्स केमिस्ट्री कोर्स सरदेव बोले सेकेंड इयर तो ठीक अच्छे ना बोले
ओके ना पिले आ मैथमेटिक्स ऑलरेडी सरी जाइए पिले जहाँ भी आम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चलती तुम भले प्राक्ट कर आगुर तुम फास्ट पिले जहाँ कन्सेप्ट पढ़ी आससे सर पिले तुम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जगह सह बहुत बेनिफिट हो पे ठीक अच्छे ना तो आज मैं था बोले थैंक यू फॉर वाचिंग।